किसानों का विकास, देश का विकास। हर वो इंसान जाने अनजाने में कहीं ना कहीं किसानों की मदद कर रहा है, वही इंसान देश की उन्नति और विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। सलाम है फिर से मेरे किसान भाइयों को, नमस्कार। किसान भाइयों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एग्री इन्फो में। आज मैं आपको अनारों की हार्वेस्टिंग के बारे में, यानी जो अनार हम उतार रहे हैं पेड़ों से, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि उससे कुछ पहले आपको किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। किसान भाइयों, मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं या जब पेड़ों से जब अनार को तोड़ने जाते हैं तो किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और हमें अपने लोगों को क्या बताना है। किसान भाइयों, ये तीन तरह की अनार की क्वालिटी मेरे पास है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो पहली क्वालिटी है जिसके अंदर थ्रिप्स का अटैक हुआ है, और वो थ्रिप्स जन्म से, यानी जब ये छोटा सा अनार का फूल में से जब फल में तब्दील हुआ, तब से लेके अब तक ये दाग है जिसके चलते आपको इसका रेट नहीं मिल पाएगा। दूसरा अपना जो सनबर्न वाला मैंने आपको बताया, ये छोटे से लेके बड़े होने तक अगर एक बार सनबर्न हो जाए तो ये भी निशान जाता नहीं है, जिसके चलते रेट आपको कम मिलेगा। ये वो अनार है जिसका रेट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, जिसमें कोई ज़्यादा बीमारी या रोग नहीं है, और ये अंदर से लाल होगा। अब मैं इसमें आपको इस अनार को काट के दिखाता हूँ। छोटा अनार है लेकिन आप देखेंगे कि ये देखिए, आप अनार के दाने देखिए, लाल भी हैं, और सिर्फ लाल नहीं लेकिन ये अनार के जो दाने हैं बहुत ही ज़्यादा मोटे भी हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने अनारों की जो देखभाल करेंगे तो आपको रेट बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, बहुत ही मीठा है ये फल। अगर मैं रेट की बात करूं, ये अनार का रेट कम से कम आपको 70 से 80 रुपए के बीच में मिलेगा, जबकि ये अनार आपका कहना नहीं चाहिए 10 से 15 रुपए में बिकेगा, और ये भी शायद उसके आसपास ही बिकेगा। तो अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे उसी अनार में, अगर आपके दाने बढ़िया हों, क्वालिटी अच्छी हो, तो आपको लाजवाब और बहुत ही बेहतर रेट मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इन पेड़ों में मुझे ये अनार एक लाल दिख रहा है, अब ये अनार तोड़ने लायक है कि नहीं मुझे कैसे पता लगेगा? आप देखेंगे यहाँ पे जो उसका आगे से मुंह बंद है, तो जब तक उसका ये आगे से मुंह बंद रहेगा तब तक हमें समझ लेते हैं कि ये अनार अभी पकने लायक या खाने लायक नहीं हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कुछ पेड़ में अगर कोई मुझे दिख पाए, हाँ ये देखिए किसान भाई, मैं ये अनार मैं तोड़ सकता हूँ, इसको मैंने तोड़ लिया। ये देखेंगे आप, इसका मुंह आगे से खुला हुआ है। तो मैंने इसको रंग के आधार पर नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ, इसका मुंह आगे से खुल गया है, मतलब ये अनार पक के तैयार हो गया है। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जब लगे हमको कि अनार को अब पकने में एक महीना जितना बाकी रह गया है, तो जितना ज़्यादा हो सके हम पोटाश का यूज़ करेंगे, क्योंकि पोटाश जो है ना सिर्फ आपके जो अनार के दाने हैं उनको मोटा, गहरे लाल रंग का करता है, बल्कि अनार को पकने में भी बहुत मदद करता है। तो पोटाश का यूज़ सबसे ज़्यादा करना है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि कुछ अनारों में मैं आपको एक रोग दिखाता हूँ, वो रोग ऐसा है जिसको हम थ्रिप्स कहते हैं। अब वो जो थ्रिप्स का रोग होता है, अक्सर आप देखेंगे कि आपका जो अनार है उसके ऊपर एक लाइन हो जाती है। किसान भाइयों, एक चीज़ जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपके अनार पकने लगें या लगभग आपको उसका वजन लगे कि 100 से 125 ग्राम के आसपास का हो गया है, तो आप अपने पेड़ को अच्छी तरह से कपड़े से ढक दीजिएगा। वो कपड़े से ढकने से सबसे बड़ा आपको जो फ़ायदा ये होता है, आपके जो अनार हैं उसमें सनबर्न नहीं होता। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ अनार काले पड़ गए हैं। तो ये जो अनार काले पड़ गए हैं, ये अभी कच्चा है अनार, देखिए आगे से मुंह बंद है इसका, ये कच्चा है अनार, लेकिन आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर सनबर्न हो गया है। तो सनबर्न के चलते ये अनार का रेट आपको नहीं मिलेगा और ये अनार आपका बहुत सस्ते में जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़, जो आपके अनार के जो पौधे हैं उन पर कंटिन्यूसली थ्रिप्स के लिए आपको स्पिनोसाइड या कई बाज़ार में और मिलने वाली दवाइयों का छिड़काव करते रहना है, लगभग हर 8 से 10 दिन के अंदर, क्योंकि वो जो सफ़ेद मक्खी या जो थ्रिप्स का जो कीड़ा होता है वो आपके अनार के ऊपर एक ऐसा दाग कर देता है, वो दाग छोटे अनार से लेके बड़े होने तक रहता है, जिसके चलते वो अनार बाज़ार में अच्छे रेट पे नहीं बिक पाता। हमें सबसे ज़्यादा जोर देना है पोटाश के ऊपर। जब आपके अनारों के पकने के अंतराल में एक महीने का टाइम रह जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पौधों को ड्रिप के ज़रिए पोटाश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देते रहें, क्योंकि पोटाश के चलते ही सबसे ज़्यादा आपके अनारों के जो दाने हैं ना सिर्फ वो मोटे और लाल होंगे, बल्कि
उनका जो साइज है वो भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख के अच्छा फ्रूट ले सकते हैं। मैंने अपने अनार के पौधों को कपड़ों से नहीं ढका, क्योंकि गुजरात में साइक्लोन की ये सूचना दी गई थी कि बहुत बड़े लेवल पे साइक्लोन आने वाला है, तो उसके चलते मैंने उनको कपड़ों से नहीं ढका, जिसके चलते आप देखेंगे कुछ अनार मेरे खराब हो गए हैं। खराब इन द सेंस कि अभी वो पके नहीं है, लेकिन ये काला जो दाग है, जिसको हम काला चट्टा भी कहते हैं, जिसको हम सनबर्न भी कहते हैं, ये उसको अंत तक छोड़ेगा नहीं, जिसके चलते उसका पूरा रेट मुझे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें ना सिर्फ अपने जो अनार हैं उनका रेट अच्छा चाहिए, बल्कि उनकी अगर क्वालिटी सही रहेगी तो आप बाज़ार में लंबे समय तक टिक पाएंगे और आप अपने मुनाफे को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा भी पाएंगे। धन्यवाद।